हाय एवरीवन, हम लोग जो है वो फाइनली पहुंच गए। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुश्किल से भाई 20-25 मिनट लगा होगा घर से यहाँ पे आने में। और ये हम लोग के पीछे भी अक्षरधाम, लेकिन दिक्कत ये है कि हम लोग थोड़ा सा जल्दी पहुंच गए। यहाँ पे एंट्री जो है वो 10 बजे से मिलता है, तो हम लोग को कुछ देर इंतज़ार करना होगा, उसके बाद हम लोग इंटर कर पाएंगे। तो वैसे तब तक बाहर से आपको दिखाते हैं। वैसे हम लोग के बगल में ही जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज कॉम्प्लेक्स भी है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। और इसके जस्ट बगल में मेट्रो स्टेशन है, फिर वहाँ से हम लोग को एंट्री मिलेगा उस कॉर्नर से। बाकी पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ से हम लोग एंट्री लेने वाले, बट हम लोग को एंट्री 10 बजे के बाद जो है वो मिल पाएगा। तो अभी इंतज़ार करते हैं। ये मेरे साइड में जो है वो लेफ्ट साइड में पूरा पार्किंग का स्पेस दिया गया, तो देख रहे हो धीरे धीरे जो है वो आ रहा है पूरा। इलेक्ट्रॉनिक सामान, औजार एवं माचिस, लाइटर, सिगरेट, गुटखा आदि ले जा। हम लोग का ये ट्रिप हो चुका है ख़त्म जो है वो काफ़ी अच्छा था। वैसे घर जाके इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि कैमरा अलाउड था नहीं, बट जैसे तैसे कुछ फुटेज जुगाड़ किए हैं। तो वैसे अंदर में जो है वो एक अक्षरधाम का टी शर्ट लिए है और कुछ फ़ोटोज़ है जो मैं आपको घर जाके दिखाता हूँ।
फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं। और अगर एक्सपीरियंस पूछोगे तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। वैसे कैमरा बिल्कुल ही अलाउड नहीं था, मतलब कुछ दूर तक हम लोग गए जब तक कि हम लोग अपना बैगेज वगैरह जमा नहीं किए थे, तब तक था फ़ोन वगैरह, इवन कैमरा से शूट तो अलाउड ही नहीं था। कैंपस में हम लोग थोड़ा बहुत फ़ोन से जो है वो शूट कर भी पाए। लुक वाइज पूछो, मतलब अगर वहाँ का ब्यूटी के वाइज पूछो कि कैसा दिखता है वहाँ का, तो ऐसा है लगभग अपने आप में समझो कि एक छोटा सा शहर है वो। अंदर में क्या नहीं है, सबसे पहले तो आपको लगेगा कि एक फिल्म का सेट है, मतलब जैसे बाहुबली ये सब में जैसे आप लोग देखते हो तो उससे भी काफ़ी अच्छा मतलब आपको लगेगा और रियलिस्टिक है ये। और साथ में अंदर में फूड कोर्ट है, उसके बाद प्ले ग्राउंड है बच्चों के लिए, और बहुत सारा झूला वगैरह सब भी अंदर में, फिर म्यूजियम भी है, उसके बाद जो है वो एग्जीबिशन लगाया गया बहुत सारी चीज़ों का। और लास्ट में जब आप लोग जो है वो एग्जिट करोगे तो उस टाइम में जो है वो एक छोटा सा मॉल है जहाँ पे जैसे अक्षरधाम का जो ब्रांडेड ये सब चीज़ें जैसे टी शर्ट हो गया या बहुत सारा बुक हो गया, गिफ्ट आइटम हो गया, ये सब सारा जो है वो आपको वहाँ से मिलेगा। तो जब हम लोग कैंपस के अंदर में तो उस टाइम कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन जगह जगह पे जैसे फ़ोटोशूट वाला था जो आपसे कुछ पैसा चार्ज करके आपका फ़ोटो जो है वो आपको खींच के देता था, तो वो एक दो फ़ोटो हम भी लिए हैं तो जो आपको हम दिखाते हैं। वैसे तो सबसे पहले तो ये जो है वो अभी वैसे हम स्क्रीन पे भी डाल देंगे, तो सबसे पहले तो ये जो है वो फ्रंट लुक, जैसे देखोगे तो ये आपको मतलब ये मंदिर का फ्रंट लुक है एक तरह से, देख सकते हो। वैसे स्क्रीन पे हम डाल देते हैं ठीक है, ताकि आप लोग पूरा देख पाओ इसको। उसके बाद एक और भी है जो साइड से लिया गया है, और ये है मंदिर का साइड लुक। तो मंदिर इतना ही नहीं है, अगर कैंपस देखोगे ना तो मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको लगेगा। तो कुछ हम ड्रोन शॉट यहाँ पे लगा दे रहे हैं नेट पे से लेके ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अंदर में क्या कैसा है। और एरिया तो पूछो ही मत, मतलब इतने ज़्यादा मतलब इतने बड़े एरिया में बना है ना कि क्या कह सकते हैं। तो अभी तक मैं जितना भी एक्सपीरियंस था मेरा जहाँ जहाँ का भी, उसमें सबसे बेस्ट मतलब जो है हमको यही लगा। और वैसे चलो ठीक है, मतलब मंदिर छोटा या बड़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वही है कि मंदिर बनने से क्या होता है कि एक साथ मतलब बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिल जाता है, क्योंकि वहाँ जैसे हम देखें तो लगभग 100 से भी ज़्यादा लोग एक साथ काम कर रहे थे, मतलब अलग अलग चीज़ के लिए, कुछ सेफ्टी के लिए तो कोई कुछ के लिए। सिक्योरिटी तो पूछो ही मत, सिक्योरिटी इतना टाइट था कि घर ही तक अलाउड नहीं था, जो हम लोग खोल के मतलब जमा कर दिए थे, फिर हम लोग को जाते रहें टाइम ये सब जो है वो दे दिया गया। वैसे तो काफ़ी अच्छा वैसे एक्सपीरियंस रहा, अगर आप लोग आओ तो एक बार, अगर दिल्ली आओ तो यहाँ पे एक बार जरूर आओ, मतलब ऐसा लगेगा ना कि आप लोग इसको कैमरा में कैप्चर कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि इतना फाइन आर्ट किया गया है, मतलब समझो कि उसका क्या बोलें अब पूरा, मतलब एक दीवार से लेके इवन मार्बल वगैरह सब पे भी, वाइट ब्राउन मार्बल वगैरह, तो जैसे वाइट मार्बल पे चलोगे तो आपको गर्मी कम लगेगा पाँव में, तो वो सब भी एक्सपीरियंस हम लोग किए हैं वैसे। और काफ़ी कुछ डिटेलिंग में था,
उसके बाद फूड कोर्ट भी अगर देखोगे तो सिटिंग एरिया वहाँ पे काफ़ी अच्छा था, मतलब जो एक साथ में लगभग 200-300 लोग बैठ कर जो है वो खा सकते थे ऐसा, तो काफ़ी अच्छा मतलब एक्सपीरियंस था। अंदर में पार्क भी था, जो आप लोग जैसे जाते हो पार्क वगैरह सब में, तो उससे बेहतर पार्क मतलब गार्डनिंग सारा किया हुआ सबसे अच्छा मतलब कह सकते हैं कि वहाँ पे था। मतलब ऑल इन ऑल लगभग लगभग अंदर में समझो कि सब कुछ है, जैसा कहा मैंने कि एक छोटा सा शहर टाइप का, मतलब अंदर में पार्क, फूड कोर्ट, छोटा सा मॉल कह सकते हो, उसके बाद कितना सारा मंदिर, उसके बाद था एक वाटर शो भी था वैसे, फाउंटेन वाला वो भी था अंदर में, उसके चारों बगल जो है वो छोटा छोटा मंदिर, तो काफ़ी अच्छा था। मतलब अगर आप लोग टाइम लेके जाओगे कम से कम 3-4 घंटा तो अच्छा है, और लगभग आप लोग सब कुछ एक्सप्लोर कर पाओगे, और वैसे शाम के टाइम में जाओ तो और भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो वैसे हम शाम के टाइम वाला भी कुछ फ़ोटो हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि आप लोग एक्सपीरियंस कर सको। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आप यहाँ तक व्लॉग को देख चुके होगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक करके जाना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करना, और सबसे सब्सक्राइब करवाना चैनल। तो फिर मिलते हैं हम लोग इसी नए व्लॉग में। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर।